one change from the last time that we had discussed. Due to some change in the lead motorcycle, then it's 1890 and we'll be touching 120. Maximum 120 is the maximum that we take. The first stop that we'll take will be somewhere after 100 kilometers. And one transition break we'll take at the time of dawn. And the breakfast break will be somewhere after Sachar, after the Gachi Hotel. Sachar will be easily visible. 250 kilometers from here. Riding, मेरे एज में से 5 years माइनस कर दो तब से he is taking out rides, ठीक है? I'm 23 anymore. So, and experience on the road, 20-ish, 2001 to 2. Illegal 7th standard. And when I started motorcycle tour guiding job for a Spanish company, I was 17. That was also illegal. No, illegal. So, actually, once I joined the job, the next year onwards only, I became legal with the license. And the GS guys behind. So, jitna ek meter piche honge, your speed is much more. Right? Do bike length ani 10 kilometer faster. So, they won't get stressed. And because these guys are in front, who are behind the pointer, so they'll be also riding in the similar speed. So these guys need not have to push. Okay guys, abhi time baj gaya hai, 4:51 and another 4 minutes we'll be starting our journey. Briefing ho gaya, kahan pe formation ho gaya aur jo basic rules and regulations hai koi bhi ride ke, and they have done a fantastic job and the way they have explained it. So aap bhi jab bhi ek group ride kijiye तो सिमिलर रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टैगर फॉर्मेशन, पॉइंट और स्वीप और लीड जो है कभी भी पीछे होता है, बिकॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन लीड फ्रॉम बिहाइंड, बिकॉज अगर लीड आगे चला के जाता है तो पीछे ग्रुप में कुछ भी होता है तो लीड वोंट नो, राइट, एंड ही कांट कम टू रेस्क्यू. अगर आप पीछे रहते हो और आगे जाने वाले बंदे पे, कोई भी आपका ग्रुप वाला मेम्बर पे गाड़ी का या कोई एक्सीडेंट या कुछ भी होता है अनफॉर्चुनेट, तो द लीड कैन कम एंड अटेंड. सो द लीड इज़ ऑलवेज फ्रॉम बिहाइंड एंड ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस. सो ऐसे ही ये फॉर्मेशन होकर निकल रहे हैं फास्टर एंड स्लोअर राइडर्स के. अभी आगे चल के क्या क्या होगा वो मोटो व्लॉग में मिलते हैं. तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड. बाय ऑल द वे. गाड़ी भी फायर अप हो गई, तैयार हो गए एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस जर्नी. एंड द डिस्टेंस इज अराउंड 254 किलोमीटर्स अकॉर्डिंग टू गूगल मैप 5 आवर्स. पर देखते हैं 5 घंटे में करते हैं या कितने घंटे में करते हैं. मेरे पास रैम माउंट नहीं है तो इनके बगल से 310 GS के ऊपर से मैंने चुरा लिया. तो चलो अपना लीड पहले चालू कर रहे हैं. तो लीड आज बैक सेकेंड बाइक, थर्ड बाइक, फोर्थ बाइक, फिफ्थ बाइक निकल रही है. हम सिक्स निकल गए. तो ये अभी जो अपना नाउ वी हैव रीग्रुप्ड. तो वही जो स्टार्टिंग व्लॉग में बोला था ना, कभी भी फॉलो करना चाहिए, डोंट लीव द लास्ट पर्सन बिहाइंड. तो अभी पूरे रीग्रुप हो गए, रीग्रुप हो गए अब वापस निकल गए. वी डिडंट स्टॉप फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी जस्ट स्टॉप्ड एंड रीग्रुप करके हम निकल गए. दीज आर द टू GS 1250s अहेड ऑफ मी. तो द लीड हैज़ गॉन एंड जितने भी 310 GS हैं वो लीड के पीछे हैं, हम उनके पीछे हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिले द होल ग्रुप, सो वी आर गोइंग टू टेक द पेस अप एंड गो फॉरवर्ड. तो अभी यही चल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं, रात है, ये हाई बीम्स आ रहे हैं. तो अभी इन्हीं को देखते देखते निकलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे या जब भी सनराइज होता है तब. Thank you.
एंड वाइट गाड़ी, ये रेड एंड वाइट गाड़ी है, और ये भाई का भी हाइट वैसा ही है, और पीछे वो येल्लो कलर गाड़ी, ब्लैक एंड येल्लो। पूरे रास्ते मेरे को निखिल देवू दादा दोनों याद आ रहे हैं, और वो ब्लैक एंड येल्लो शोभित की गाड़ी अभी बन चुकी है, पर जेट की गाड़ी भी वही कलर है, पर आई हैव नेवर रिडन विद जेट ऑन अ बीएमडब्ल्यू, पर निखिल और देवू दादा का के साथ तो मैं बहुत चलाया हूँ, तो दोनों याद आ रहे हैं, तो दोनों लोग भी याद आ रहे हैं। पता नहीं कब वापस वो टाइम आएगा और कब हम ऐसे पूरे साथ में मिल के चलाएंगे। आई विश वो वक्त बहुत जल्द आए। तो अभी बज गया है 7:22, और हम लोग चला ही जा रहे हैं। आई डोंट हैव अ मैप सो आई कांट, मैं बता तो सकता हूँ अंदाजे से, पर एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि और कितना किलोमीटर है ब्रेकफास्ट के लिए। तो बस यही बोलना था, अभी जहाँ पे भी रुकाएंगे आपको तो मिल ही जाएंगे। 310 सिर्फ एक ही 310 हमारे साथ चल रही है, बाकी के लोग पीछे, देयर इज अ पॉइंट एंड स्वीप, वो लोग लेके आ रहे हैं ग्रुप को, तो हम लोग आगे जा रहे हैं। तो अभी के लिए बस यही चल रहा है, और कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ याद आएगी या कोई भी बात आपको बोलने के लिए कुछ भी याद आएगा तो आपको याद कर लूँगा। तो देखो ब्लू रेड, कहाँ पे लेना है भाई टर्न, यहाँ पे आगे। ओके भाई, वी आर ऑलमोस्ट एट राजस्थान गुजरात बॉर्डर, और यहाँ पे हमने टॉपअप के लिए रुकाया। इन गाड़ियों के लिए टॉपअप ज़रूरत नहीं था, पर यहाँ पे और राजस्थान में फ्यूल का कितना डिफरेंस है, 10 to 12, 10 से 12 रुपए का डिफरेंस है। सो वी टॉप्ड अप ओवर हियर, 10 रुपए बचे यार, 10 से 12 रुपए बचे। तो अभी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर वी आर गोइंग टू स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट। तो अभी तक राइड हैज़ बिकम अमेजिंग। ये लाल गाड़ी और ये बंदा भी लंबू, और ये ब्लू गाड़ी है येल्लो, पूरे अपने दोस्तों की गाड़ियाँ दिख रही है, मिस देम ऑल। तो चले निकले अभी जाके ब्रेकफास्ट पॉइंट पे, आके हम लोग रुकते हैं। तब तक अभी अपना कैमरा पर्सन भी नहीं दिख रहा है, उन लोगों की कार आने तक थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं, ब्रेकफास्ट पॉइंट पे पहुँचते हैं। ब्रेकफास्ट पॉइंट पर पहुँचने के बाद आराम से आपको मिलते हैं, क्योंकि लंबा रास्ता है, हर एक चीज़ ब्लॉक करते चले जाओगे तो ब्लॉक भी लंबा हो जाएगा, और इसके मेरे को दो पार्ट नहीं करना है, इसका एक ही पार्ट करना है। तो द टाइम इज़ अराउंड 8:14, सैंड तो दिखना चालू हो गया, पर राजस्थान बीकानेर से अगर मैं चालू करके या जैसलमेर सब कुछ ख़त्म करके वापस आया था तो भी एक पार्ट ख़त्म हो जाता, पर नेक्स्ट टाइम वापस आऊँगा माया के साथ, जो बचा खुचा राजस्थान है वो वाला मेरे को कंप्लीट करना है माया के साथ, किसी और के साथ नहीं। तो एक बार वो वाला कंप्लीट कर दूँगा, कंप्लीट करने के बाद देखते हैं अगला राइड क्या होगा। अभी यहाँ पे आराम आराम से चलाना है, बस से लेके इट्स सिंगल रोड। हैविंग अ ब्रेकफास्ट स्टॉप, कार अभी भी नहीं आई, मेरा व्लॉगिंग का जितना भी कैमरा है ये सब कुछ कार में है, बट देखते हैं। 1 2 3 4 5 6
और गाड़ी आना चाहिए एंड देयर बी कपल ऑफ मोर गाइस हु विल बी जॉइनिंग. सो फटाफट जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद. तो ओके जी, ब्रेक भी हो गया लंबा चौड़ा, अभी बज गया 9:57 एंड एक बैच ऑफ 310 व्हीकल्स हैव गॉन. बैकअप व्हीकल जो हमारा पीछे आ रही थी उसे भी थोड़ा सा आगे भेज दिया क्योंकि सिंगल रोड है तो इट इज़ मच मोर ईजियर फॉर अस टू कैच अप एंड वी ऑल मेक द सेम टाइमिंग. तो ये लोग निकलेंगे, ये लोग निकलने के बाद हम लोग निकलेंगे. अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देवू भाई को भी कॉल कर लिया, दादा को कॉल करके लंबी चौड़ी बात हुई, मज़ा आया, थोड़ा सा छेड़ा कि मैं BMW चला रहा हूँ बोल के. पर वही है कि मैं ऐसे मूवमेंट में चला रहता हूँ कि मैं व्लॉग करना छोड़ देता हूँ. ये इसलिए कि 2 वीक का गैप आ गया है, व्लॉग करने का मैं छोड़ गया था. अभी थोड़े थोड़े दिन वापस 4-5 दिन हम लोग चलाने चालू करेंगे तो वापस हम भी चालू हो जाएंगे. चलो अभी इसके बीच में ये हो गया था, जब मैं बैंगलोर में था इमरान भाई आए थे, वर्कशॉप आए थे तो इमरान भाई के साथ बातचीत हुई और एक्चुअली स्पीकिंग मेरा ये वाला प्लान था ही नहीं जहाँ पे मैं यहाँ पे ये वाला राइड आने का. माया को तैयार करके इमरान भाई के साथ एक राइड करूँगा पर होने को ऐसा हो गया कि इमरान भाई आए और चले गए और माया का पार्ट भी 2 दिन पहले ही आया हुआ है. इमरान भाई आके जाने के बाद ये वाला राइड कंटिन्यू करने के बाद वापसी के बाद है ना थोड़ा कहानी में ट्विस्ट होगा. वो क्या ट्विस्ट होगा ये राइड जाके आने के बाद ही आपको पता चलेगा. तो अभी के लिए हम फटाफट निकलते हैं. ब्रेकफास्ट भी पोहा वॉज टू गुड, इडली वड़ा बोला था मैं पर इडली वड़ा मैं नहीं खाऊंगा यहाँ पे, मेरे को पोहा ही खाना है. जहाँ पे जो मिलता है अच्छा मिलता है वही खा लो, तो मैंने खा लिया. खाने के बाद अभी हम आगे निकलते हैं और इस रोड पे आई नीड टू गिव 110% ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि सिंगल हाईवे पे खड्डे कहीं पे भी आ सकते हैं और गाय बैल कुत्ते राजस्थान एंटर मारने के बाद कहीं से भी आ सकते हैं. तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद.